भारती और आप देख रहे हैं विदेश न्यूज। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक नए वायरस ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वायरस क्या है, तो आपको बता दें कि इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को कहा कि 20 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स वायरस के करीब 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खैर, आपको ये भी बता दें कि भारत में अभी भी इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार अलर्ट मोड पर है। इस बीच एक चिकित्सा उपकरण कंपनी ने मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए नई RT-PCR किट लॉन्च की है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ट्रिबुटॉल हेल्थ केयर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए रियल टाइम रिपोर्ट देने वाली RT-PCR आधारित किट तैयार की है। ट्रिबुटॉल का मंकीपॉक्स रियल टाइम RT-PCR किट 4 रंग में तैयार किया गया है और हर रंग में एक खास तरह का फ्लेवर यूज किया गया है। इसे सिंगल ट्यूब स्वाब टेस्ट के जरिए टेस्ट किया जा सकेगा। साथ ही ये किट चेचक और मंकी पॉक्स के बीच अंतर भी बता पाएगा। इस पूरी प्रतिक्रिया में कुल मिलाकर सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। लैटिन अमेरिका में पहली बार इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। अर्जेंटीना ने शुक्रवार को मंकी पॉक्स से पहले मामले की सूचना दी। इस वायरस से संक्रमित मिला व्यक्ति हाल ही में स्पेन की यात्रा पर गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को कहा कि 20 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स से लगभग 200 से मामले सामने ला चुका है। भारत में कोई किसी तरह का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार अभी भी अलर्ट मोड पर है। इस बीच दुनिया भर में मंकीपॉक्स मामलों की पहचान होने के साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि भारत गैर स्थानीय देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि देश में अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मंकीपॉक्स वायरस आमतौर पर बुखार, ठंड लगने, चेहरे पर और जांघों पर दाने और घाव का कारण बनता है। यह किसी भी संक्रमित व्यक्तियों के उसके कपड़े या चादर के संपर्क में माध्यम से भी फैल सकता है, लेकिन अभी तक यौन जनित संक्रमण का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा सका है। वायरस से अधिकतर संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हफ्तों में ही बीमारी से ठीक हो जाते हैं। चेचक के खिलाफ टीके मक्की पॉक्स से रोकने में भी प्रभावी है और कुछ एंटीवायरल दवाएं विकसित की जा रही हैं। और दूसरी ओर वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अब तक इस चीज की पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल हुआ है कि यौन संपर्क की वजह से हाल ही में मंकी पॉक्स का प्रसार हुआ। इंपीरियल कॉलेज लंदन के विषाणु वैज्ञानिक माइक स्क्रीनर कहते हैं कि यौन गतिविधि में इंटरनल कॉन्टैक्ट शामिल होता है, जिससे प्रसार बढ़ने की आशंका होती है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति के यौन रुझाने और संचरण के माध्यम का पता नहीं लगता है। मंकी पॉक्स से जुड़ी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीजों से बच सके और लोगों में इसका संक्रमण होने से रोक पाए। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो, अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विदेश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।